नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनीष कुंदवानी मिडास फिजियो केयर से। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाथों में और पैरों में झुनझुनी क्यों आती है। झुनझुनी आने के काफी सारे कारण होते हैं। काफी सारे जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें विटामिन B12 की कमी होती है। काफी सारे लोगों को कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से झुनझुनी या सुनपन होती है। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिनने देखा होगा कि जब कभी लंबे समय तक अगर बैठ जाए एक ही जगह पे तो एकदम से पैर में झुनझुनी चालू हो जाती है। और कुछ लोग जैसे राइटिंग वर्क कर रहे हैं या लॉन्ग सिटिंग वर्क लैपटॉप वगैरह पे कर रहे हैं तो उनके हाथों में झुनझुनी और सुनपन आ जाता है। तो ये मैकेनिकल रीजन होता है। कुछ होते हैं केमिकल रीजन, जैसे मैंने आपको बताया विटामिन B12 या दूसरे कुछ विटामिन की डिफिशियंसी, और कुछ मैकेनिकल रीजन होते हैं। मैकेनिकल रीजन में आपकी मसल टाइटनेस आ जाती है। तो अगर आपके मसल टाइटनेस की वजह से अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम क्या एक्सरसाइज करें, मैं आपको दोनों के लिए बताता हूँ। अगर आप अपने ऑफिस में हैं या कहीं अपन बाहर है घर के बाहर जहाँ अपन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं और एकदम से पैर में झुनझुनी आ गई है और चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। बहुत आसान सा एक तरीका मैं बता देता हूँ। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ कुर्सी पे बैठ जाएं, बैठ के अपने हील को फ्लोर के ऊपर 4-5 बार नीचे टैप करना है। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5। जब आप ऐसे 4-5 बार टैप करेंगे अपने हील को फ्लोर से तो आप उसी टाइम एकदम से महसूस करेंगे कि आपके पैर की झुनझुनी थोड़ी सी कम हो गई है। ये तो हो गई अगर आप कहीं बैठे हैं जहां एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर आप अपने घर पे हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं इसके लिए, तो मैं आपको बताता हूँ उसके लिए दो सिंपल सी कसरत है। आइए तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम लोग शियाटिक नर्व के कंप्रेशन की वजह से कितनी बार ये झुनझुनी सुनपन आता है, तो हम शियाटिक नर्व की स्ट्रेचिंग करेंगे। इसमें हमने टॉवेल ले लिया और आगे अपने पंजे में लगा दिया और आगे धीरे धीरे अपन अपने पैर को ऊपर उठाएंगे। जब आपको पीछे खिंचाव महसूस होना चालू हो जाए यहाँ पे, यहाँ आपको 5 से 10 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखना है। फिर आप धीरे धीरे नीचे कर लेंगे। एक बार और करेंगे, धीरे धीरे पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे। जहां आपको खिंचाव आना चालू हो जाए आपकी पिंडली और अपनी पीछे थाइस के पीछे, वहां पे आपको 5 से 10 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखना है। एक्सरसाइज है, मान लीजिए आपको इस पैर में झुनझुनी आती है तो हम पहले राइट वाले पैर को मोड़ लेंगे और लेफ्ट वाला पैर उसके ऊपर ऐसे रख देंगे। इसको हम फिगर ऑफ 4 पोजीशन बोलते हैं। फिर अपने इस वाले राइट वाले हैंड से घुटने को पकड़ेंगे और धीरे धीरे पैर को अपनी तरफ उस तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। जब आप ऐसे खींचेंगे तो आपके हिप पे आपको खिंचाव महसूस होगा और इस खिंचाव को आपको 5 से 10 सेकंड तक इसी पोजीशन में होल्ड करना है। फिर आप रिलैक्स करेंगे। सेम अगर मान लीजिए आपकी इस वाले पैर में आती है तो इस पैर को मोड़ के इस पैर को उसके ऊपर रख देंगे और ये वाले हाथ से अपने पैर को इस तरफ खींचेंगे। जहां आपको अपने हिप पे स्ट्रेच आना चालू हो जाए आपको 5 से 10 सेकंड तक इसको होल्ड करके रिलैक्स। अगर आपको हाथ में झुनझुनी आती है उसके, देखिए हाथ में झुनझुनी आने के कारण ये सर्वाइकल प्रॉब्लम्स में भी लोगों को हाथ में झुनझुनी आती है, बट कितने सारे लोगों को गर्दन की मांसपेशियां टाइट होने की वजह से भी हाथ में झुनझुनी आती है। तो अगर ये नेक की मसल टाइटनेस की वजह से है तो ये वाली एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। इसमें आप दीवार के साइड में खड़े हो जाएंगे और अपने हाथ को उल्टा दीवार पर रखेंगे। उल्टा रख के आप अपनी बॉडी को थोड़ा अपोजिट साइड पर रोटेशन करके गर्दन को साइड में टिल्ट करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे आपको गर्दन से लेकर अपने हाथ के पंजे तक पूरा नस में खिंचाव होगा और इस खिंचाव को आपको 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है इसी पोजीशन में, फिर आप रिलीज कर देंगे। मुझे लगता है ये आपको आसान सी एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये हमारी एक्सरसाइज अच्छी लगी है तो आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप अगर शेयर करेंगे तो हम बहुत आसान की सी प्रॉब्लम्स लोगों के पास तक लेके जा सकेंगे, क्योंकि हर आदमी हम तक नहीं पहुंच सकता है अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम ये आसान सी एक्सरसाइजेस के थ्रू लोगों को घर पे धीरे धीरे ठीक करना शुरू करें। सो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।